हाय आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैं कौन सी आई लैश यूज़ करती हूँ और उसे मैं कैसे अप्लाई करती हूँ तो बिगिनर्स के लिए बहुत इजी एप्लीकेशन है मैं आज आपको बताऊँगी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द पैक 53 थ्री आई लैश दैट्स पैक फिफ्टी ये मेरी फेवरेट आई लैश है और ये री होती है तो आप एक ही आई लैश को कई बार यूज़ कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लास्ट ग्लू होना बहुत ज़रूरी है उसके बिना ऑब्वियसली आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते तो मैं ऐसा एक पैलेट ले लेती हूँ यूजुअली इसी पे मैं अपना मेकअप मिक्स करती हूँ तो आप क्या करोगे थोड़ा सा ग्लू जो है इस पर अप्लाई कर लोगे क्योंकि क्या होता है नॉर्मली जब हम बॉटल को स्क्वीज़ करते हैं तो बहुत सारा ग्लू एक साथ निकल जाता है तो उससे काफ़ी वेस्टेज होती है ज़्यादा ग्लू लगता नहीं है द सेकेंड थिंग वट आई डू इज़ ये मेकअप ब्रश है फाउंडेशन uh, ब्रश है रातर ये तो इससे मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ग्लू ले लेती हूँ ब्रश के टिप पे देन आई टेक माई आई और उस पर मैं अप्लाई कर देती हूँ उसे बीच में थोड़ा सा जेंडरस अमाउंट से अप्लाई करेंगे इवन एडज तक अप्लाई करेंगे अप्लाई करने के बाद इसको टेन सेकेंड्स तक छोड़ना रहता है यू हैव टू लीव इट फॉर टेन सेकेंड टेन सेकेंड्स पूरे होने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो सो ये जो पतला वाला पार्ट है सी इट इज नैरोइंग फ्रॉम हेयर वो अंदर की साइड जाएगा और जो बड़ा वाला बड़े जहाँ लैशेज हैं वो बाहर की साइड जाएंगे नाउ वॉच केयरफुली आपको इसे सेंटर में रखना है इसको अपने सेंटर में रखा और पुश साइड में रखा पुश बहुत डेलीकेटली इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से एकदम जो आपके आई के ऊपर स्किन है ना उसमें रखना है इसको